पप्पू के माता पिता वैसे तो गरीब थे, पर उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। पप्पू के पास हर वो सुख सुविधा थी जो किसी बड़े घर के बच्चे को मिलती थी। पप्पू के पापा विनोद एक ड्राइवर थे, पर वो अपने बेटे के बोलते ही सारी चीज उसे दे देते थे। पप्पू, ये देख तेरी नई साइकिल। क्या पापा, मैंने आपसे रेड कलर की साइकिल नहीं ब्लू कलर की साइकिल मांगी थी, और वो भी अलग मॉडल की। वो साइकिल बहुत महंगी थी, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे बेटा, इसलिए मेरे बजट में जो साइकिल आई मैं वो ले आया। पर पापा, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। ऐसे ही हर बार पप्पू अपनी हैसियत से ज्यादा की चीजों के लिए मांग किया करता था। जितना उसके मम्मी पापा कर सकते थे वो सब किया करते थे। ऐसे ही पप्पू बड़ा हुआ, वो पढ़ा लिखा था, पर अब तक उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। माँ, जब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी ना, तो मैं तुम्हें और पापा को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाऊंगा। कैसे लेकर जाओगे? अब तक तुमने कितने जॉब इंटरव्यू दिए हैं? बहुत सारे। तो अब तक तुझे कोई जॉब क्यों नहीं मिली? मुझे क्या पता। क्योंकि तू जॉब करने के लायक ही नहीं है, यहीं कहीं छोटा मोटा कोई काम ढूंढ ले। कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा तू? ये सुनकर पप्पू नाराज हो गया और घर से चला गया। पप्पू अपने जिगरी दोस्त किशोर के पास गया। आज लगता है वापस तेरे बाप ने तेरी क्लास ले ली है। और वो कर भी क्या सकते हैं यार, एक दिन इतने पैसे कमाऊंगा कि वो देखते रह जाएंगे। सभी बाप एक जैसे होते हैं, सबको अपने बेटे निकम्मे लगते हैं। एक मेरा बाप है, दिन भर किट 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 किट, मैं तो परेशान हो गया हूँ। छोड़ जाने दे यार, हम अपना मूड क्यों खराब करें, चल कैरम खेलते हैं। पप्पू अपने दोस्त के साथ कैरम खेलने बैठ गया। ये हमेशा की बात थी, जब भी किशोर पप्पू को चिल्लाता वो घर से निकल के किशोर के पास आता और वो दोनों कैरम खेला करते थे। वहाँ विनोद पप्पू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। आप बेफजूल ही पप्पू को इतना डांट देते हैं, उसे जॉब मिल ही जाएगी। मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ और न ही उसका बुरा चाहता हूँ। वो जल्द से जल्द काम धंधा शुरू कर दे, मेरी बस यही इच्छा है। आप फिक्र मत कीजिए, वो समझ जाएगा। किशोर अक्सर हॉस्पिटल जाया करता था। अपनी बीमारी की बात उसने अपने परिवार से छुपा कर रखी थी। सर, आपका कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, जल्द ही अगर ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ सर। जब भी विनोद हॉस्पिटल से घर आता तो वो यही सोचता कि उसके मरने के बाद लता और पप्पू कैसे जिएंगे, और यही सोचकर वो पप्पू को डांटा करता। उसकी इच्छा थी कि उसके मरने से पहले पप्पू अपनी जिम्मेदारियों को संभाल ले, पर पप्पू तो अपने अटखेलियों में व्यस्त था। वो अपने पापा की बीमारी से अनजान था। फिर एक दिन विनोद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आपके पिताजी को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का। हमने उन्हें कई बार ऑपरेशन की सलाह दी थी, पर शायद उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाए। ये सुनकर पप्पू टूट सा गया। वो अपने पापा के इस सच से अनजान था। उसे लगता था कि उसके पापा बस उसे चिल्ला रहे हैं, पर वो नहीं जानता था कि उसके पापा के पास वक्त बहुत कम था। वो डॉक्टर के पास गया। क्या मेरे पापा को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? एक ही रास्ता है और वो है ऑपरेशन, पर उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। अगर आप ये पैसे 2 दिन में जमा करवा सकते हैं तो आपके पापा शायद बच जाएंगे। 5 लाख? पप्पू अपने पापा को देखने उनके रूम में गया तो वहाँ लता ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। क्या बोले डॉक्टर? 5 लाख लगेंगे पापा के ऑपरेशन को। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आज तक आपने मेरी सारी जिद पूरी की है, अब मेरी बारी है। मैं कैसे भी करके पापा की जान बचा के रहूंगा।
पप्पू 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 को कुछ भी करके अपने पापा की जान बचानी थी। वो परेशान यहाँ से वहाँ भटक रहा था और भटकते भटकते वो एक मंदिर के पास पहुँचा। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे और अचानक उसके सामने एक साधु खड़ा हो गया। मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ पप्पू। दक्षिण की पुरानी गुफा में जाकर जल चढ़ा और फिर जब देवदूत वहाँ पर आएंगे तो उनके प्रश्नों का उत्तर दे दे। अगर तूने सही उत्तर दिए तो पैसों की बारिश हो जाएगी, बारिश। इतना बोलकर साधु गायब हो गया। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या सपना, पर उसे अपने पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो उस गुफा की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई। उसे दूर एक गुफा दिखी। वो बहुत ही सुनसान थी। पप्पू को डर लग रहा था, पर उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। वो गुफा के अंदर गया। उसके हाथ में जो कलश था उसने उसका जल पत्थर पर चढ़ा दिया। जल चढ़ाते ही एक देवदूत वहाँ आ गया। तुमने मेरा आवाहन किया है, अब मेरे सवालों का जवाब दो वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर पप्पू घबरा गया। भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकते, उनके दो फरिश्ते हैं, एक के साथ होते हैं, कौन है वो? ये सवाल सुनकर पप्पू उलझन में पड़ गया। वो सोच रहा था कि कौन वो फरिश्ता है कि अचानक उसे याद आया कि उसकी सारी इच्छाएं उसके मम्मी पापा ने ही पूरी करी हैं। उसने सोचा कि उसके माता पिता फरिश्तों से कम नहीं हैं। माता पिता? बिल्कुल सही, तुम पैसों की बारिश के हकदार हो। उस गुफा में पैसों की बारिश होने लगी। पप्पू सारे पैसे जमाने लगा। इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी हैं। अगली बार यहाँ मत आना वरना मारे जाओगे। पैसों की बारिश रुक गई और देवदूत गायब हो गया। पप्पू सारे पैसे समेटकर गुफा से बाहर निकला और वो गुफा गायब हो गई। पप्पू ने पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। तू इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया? पप्पू ने अपने माता पिता को सारी घटना बताई। उन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, तू पैसे ले आया, अब तेरे पापा बच जाएंगे। इतना काफी है, हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तीनों ने भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन विनोद का ऑपरेशन हुआ। वो बिल्कुल ठीक हो गया था और जल्द ही पप्पू को नौकरी भी मिल गई। अब सब खुश थे। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।